देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जयपुर संभाग की, यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रशांत। फर्स्ट इंडिया की खबर पर मोहर लगाते हुए आज राज्य सरकार ने सीएम और मंत्रियों की एक माह की मूल वेतन पर कटौती के आदेश जारी कर दिए हैं। सीएम गहलोत ने अनुमोदन के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय के आज जारी आदेश अनुसार कोविड की दूसरी लहर के माहौल के मद्देनजर मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्य सीएम सहायता कोष में राशि जमा कराने के लिए वेतन कटौती होगी। इसके तहत मुख्यमंत्री, मंत्रियों, राज्य मंत्रियों का मई माह के जून में दिए जाने वाले वेतन में से एक माह के मूल वेतन की कटौती होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय के पूर्व के आदेश अनुसार सत्कार भत्ता हटाकर मुख्यमंत्री का मूल वेतन 75,000, कैबिनेट मंत्रियों का मूल वेतन 65,000 और राज्य मंत्रियों का मूल वेतन 62,000 रुपये है। कैबिनेट सचिवालय के आदेश में वित्त विभाग के अधिकारियों को कोरोना टीकाकरण के लिए वेतन से कटौती की राशि का उल्लेख करते हुए अलग से कटौती विवरण पत्र संलग्न करने के निर्देश दिए हैं। इस संकलित राशि की सूचना कोषाधिकारी सचिवालय की ओर से प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री को भिजवाया जाएगा। इसके बाद अब यह माना जा रहा है कि इसी की तर्ज पर सरकारी कर्मचारियों के अलग अलग संवर्गों में वेतन कटौती होगी। इसके तहत सहायक कर्मचारियों का एक दिन, मंत्रालय कर्मचारियों के दो दिन, अधीनस्थ सेवा कर्मचारियों के तीन दिन की कटौती की जाएगी। इसके साथ ही गजेटेड अधिकारियों की 5 दिन की वेतन कटौती तय मानी जा रही है। जोधपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव गौर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कोरोना वायरस काल में आमजन की मदद करने के लिए की गई अपील 7 समंदर पार तक काम कर रही है और उसी की वानगी आज उस वक्त देखने को मिली जब अमेरिका में रहने वाले राजस्थान की धरती के जायजन में डॉक्टर रविंद्र गोयल उनके सहयोगी टीम ने जोधपुर के सामाजिक संगठन सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी के साथ मिलकर ऑक्सीजन बैंक का विधिवत रूप से शुभारंभ हुआ। 50 कंसेंट्रेटर अमेरिका से भेजे गए जिसमें से 17 दिल्ली और 13 जयपुर के अलावा 20 जोधपुर आए हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास के मुख्य अतिथि और बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल की अध्यक्षता में जिस तरीके से इसका शुभारंभ हुआ, वहीं धर्मगुरुओं ने विधि विधान से इन कॉन्सेंट्रेटर को शुभारंभ करने के साथ ऑक्सीजन बैंक आज स्थापित हो गई है। सबसे बड़ी बात यह रही कि 7 समंदर पार से जिस तरीके से अलग अलग जगह से लोग जुड़े हैं, जोधपुर के सैकड़ों लोग उससे जुड़े हैं, तो उससे एक संदेश साफ तौर पर है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संदेश काम कर रहा है। सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी द्वारा पिछले साल भी 1.5 लाख से अधिक मास्क बांटे गए, सैनिटाइजर बांटे गए, पुलिस के जवानों और अधिकारियों को मदद इस संबंध में की गई, लेकिन साथ ही उस वक्त भी प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संगठन की सराहना की थी। आज भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो संदेश आया उसको राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने पढ़ करके आमजन से वर्चुअली इसको रूबरू कराया। वहीं दूसरी ओर मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने साफ कहा है कि मानव मात्र की सेवा करने से कोई बड़ा धर्म नहीं है और सत्यमेव जयते सिटीजन पिछले साल से जुटी हुई है और ऐसे में अब जब 7 समुद्र पार से जिस तरीके से प्रेरणा स्रोत मुकेश बंसल और उनकी टीम के द्वारा जो कोशिश की गई है वो आज सबके सामने है। कोटा संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी भवर एचारा। कोरोना के कहर के शिकार होकर जान गंवाने वाले परिवारों के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बड़ी पहल। बिरला ने कहा कि कोटा के प्रमुख कोचिंग संस्थान देश भर में कोरोना से जान गंवाने वाले परिवारों के कोचिंग छात्रों को फ्री कोचिंग तो देंगे ही, लेकिन कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के भी ऐसे कई स्कूल और कॉलेज सामने आए हैं जो कि ऐसे परिवारों के बच्चों को न सिर्फ फ्री कोचिंग और फ्री शिक्षा बल्कि यूनिफॉर्म तक फ्री देने की तैयारी में है। इसके साथ ही बिरला ने आज एक और बड़ा ऐलान किया और कहा कि हम खासकर उन कन्याओं की चिंता करने जा रहे हैं जिनकी शादियां इन दिनों में प्रस्तावित थी लेकिन इनके परिवार के लोग कोरोना का शिकार हो गए। बिरला ने कहा है कि ऐसी सभी विवाह योग्य कन्याओं के अब हाथ पीले कराने की हमारी जिम्मेदारी है। गृहनगर कोटा के अपने प्रवास के दौरान बिरला आज दिन भर जिले में कोविड को लेकर बने हालातों का फीडबैक लेते रहे और इस दौरान उन्होंने कोटा देहात और बूंदी के गाँव में काम कर रहे स्वास्थ्य योद्धाओं से और ग्रामीणों से वर्चुअली संवाद किया। बिरला ने इस दौरान खासकर ब्लैक फंगस की बीमारी को लेकर स्वास्थ्य योद्धाओं को सचेत किया और कहा कि अगर गाँव में कोई भी ब्लैक फंगस का मरीज मिलता है तो उसका तुरंत उपचार शुरू कराएं और अगर उपचार शुरू कराने में किसी तरह की दिक्कत है तो तुरंत लोकसभा स्पीकर के कार्यालय कोटा में संपर्क करें।
उदयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी पुनीत। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन लागू कर रखा है। कोरोना महामारी से बचाने के लिए किए गए इस लॉकडाउन का उल्लंघन करने में निजी बस संचालक बाज नहीं आ पा रहे। इसके विपरीत डूंगरपुर की पुलिस ने भी उन्हें सबक सिखाने का ठान लिया है। डूंगरपुर SP सुधीर जोशी ने बताया कि सरकार के निर्देश पर रतनपुर बॉर्डर पर चेकपोस्ट लगाकर गुजरात से आने वाले वाहनों व यात्रियों की जांच की जा रही है। जिसके पास RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट है उन्हें ही राजस्थान की सीमा में दाखिला दिया जा रहा है। इसी के तहत जांच के दौरान गुजरात की तरफ से अलग अलग समय में 4 निजी बसें आज आई जिन्हें बॉर्डर पर रोका गया और एक बस जिसमें से सूरत से सरदारगढ़, एक बस अहमदाबाद से भीम व 2 बसें सूरत से भीम जा रही थी। चारों बसों को रुकवा कर जांच की तो उनमें क्षमता से ज्यादा सवारियां भरी पाई गई जबकि नियम से अनुसार क्षमता से आधी सवारियां ही भरनी है। इसी तरह सागवाड़ा में भी एक निजी फैक्ट्री की बस को ले जाते हुए पुलिस ने रोका जिसमें फैक्ट्री के कर्मचारी क्षमता से दुगने भरे हुए थे। इस मामले में भी पुलिस ने चालान की कार्रवाई की है। आपको बता दें कि राजस्थान में पूरी तरह से निजी क्षेत्र के वाहनों का परिसंचालन बंद है। ऐसे में यदि कोई दक्षिण भारत, गुजरात या महाराष्ट्र से राजस्थान में आने का यात्रा योग बना रहा है तो उसे कुछ समय के लिए टाल दे, अन्यथा कोरोना गाइडलाइन के अनुसार राजस्थान सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। बीकानेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। बीकानेर के लूणकर्णसर के हापासर में बन रहे सोलर पावर प्लांट में लगातार मिल रहे मृत हिरणों का मामला गर्मा गया है। अखिल भारतीय जीव रक्षा विश्नोई सभा ने वन मंत्री से पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। तो वहीं लूणकर्णसर के विकास अधिकारी भौम सिंह इंदा का कहना है कि कई बार प्लांट को पत्र लिखा है, पंचायतों से भी शिकायतें मिल रही हैं लेकिन प्रबंधन से कोई जवाब नहीं आया। तो दूसरी तरफ वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मृत हिरण मिले हैं लेकिन स्पष्ट तौर पर कुछ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही कहा जा सकेगा। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मृत हिरण मिलने का मामला गर्मा गया है और खास तौर पर वन्य जीव प्रेमी इसका विरोध कर रहे हैं। भरतपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी रवि। जनरक्षा राज्य मंत्री भजनलाल जाटव ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की ली बैठक। आपदा प्रबंधन को लेकर अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। जनरक्षा एवं नागरिक सुरक्षा एवं कृषि राज्य मंत्री भजनलाल जाटव ने कहा कि कोविड प्रथम एवं द्वितीय चरण में भरतपुर की चिकित्सा व्यवस्थाओं की राज्य स्तर पर सराहना की गई है और भरतपुर मुख्यालय पर बने RVM चिकित्सालय में भरतपुर संभाग के रोगियों सहित अन्य राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से आने वाले कोविड संक्रमितों के बेहतर उपचार की व्यवस्था होने के कारण लगभग समस्त रोगी पूर्ण स्वस्थ होकर वापस लौटे हैं। इसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और चिकित्सा कर्मियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना से बचने का बेहतरीन प्रबंधन किया है। पूरे देश में वैक्सीन की काफ़ी कमी है, वैक्सीन ना मिलने के कारण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ग्लोबल टेंडर करना पड़ा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान की जनता को फ्री वैक्सीनेशन का उपहार दिया है। मंत्री भजनलाल जाटव ने मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद रंजीता कोहली पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सांसद रंजीता कोहली प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखें, जो वैक्सीनेशन किया जा रहा है उसका खर्च केंद्र सरकार उठाए और राजस्थान सरकार को जितने वैक्सीन चाहिए वो जल्द से जल्द मिले। अजमेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी यूनुस। रिश्तों की आड़ में 12 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने। नागौर जिले के रोल थाना इलाके में आरोपी के खिलाफ हुई FIR दर्ज। पुलिस दे रही है आरोपी के ठिकानों पर दबिश लेकिन आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से है दूर। रोल थाना पुलिस को दी गई रिपोर्ट के मुताबिक 12 साल की मासूम के साथ एक युवक लगातार दुष्कर्म कर रहा था। उस युवक उसके पीड़िता के घर लंबे समय से आना जाना था क्योंकि वह पीड़िता का मुंह बोला भाई बना हुआ था। आखिरकार पीड़िता के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर युवक ने उसे जान से मारने की धमकी दी, साथ ही उसी के पिता और भाई को भी जान से मारने की धमकी देकर उसका मुंह बंद कर दिया। आखिरकार पीड़िता ने अपनी आप बीती और जातियों से परेशान होकर आखिरकार परिवारजनों को बताई। वो परेशान हो गए और मासूम सहित पीड़ित परिवार रोल थाने पहुंचा। आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराया।
नाबालिग के पिता ने रोल थाना पुलिस को रिपोर्ट में बताया कि रोल गांव के निवासी शिव नारायण उनकी 12 वर्षीय बेटी के साथ लगातार दुष्कर्म कर रहा था। रिश्तों की आड़ में उसने ये घिनौना काम किया। आखिरकार पुलिस ने मौका तस्दीक करते हुए पीड़ित और उसके परिजनों के बयान दर्ज किए, साथ ही आरोपी के ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गया। रोल थाना पुलिस ने इस मामले की तहरीर आगामी न्यायालय में बयानों के लिए पीड़ित परिवार को दे दिए। पूरे इस मामले की तफ्तीश जायल सीओ करेंगे।